ज्योति मौर्या, सीमा हैदर, अंजू, तीनों औरतों के अलग अलग किस्से हैं, लेकिन इन तीनों की कहानी में समानता है तो वो है पति। जहां एक तरफ एसडीएम बनने के बाद ज्योति मौर्या ने पति आलोक मौर्या को छोड़ दिया, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की सीमा हैदर अपने पति को छोड़कर चार बच्चों के साथ भारत सचिन के साथ रहने के लिए आ गई। वहीं तीसरी औरत अंजू भारत में अपने पति और बच्चों को छोड़ पाकिस्तान पहुंचकर अपने प्रेमी नरसुल्लाह से निकाह कर लिया। अगर इन तीनों कहानियों को सुनकर जो समझ में आता है वो तीनों ही औरतों की अपनी पतियों से की गई बेवफाई। वहीं यूपी के बरेली से एक मामला सामने आया है जिसे सुनकर शायद आपका दिल करुणा से भर जाए। वैसे आपको बता दें कि इस कहानी में भी पत्नी और पति है, लेकिन इस बार मामला पति से धोखे का नहीं बल्कि प्यार का है। दरअसल बरेली की एक महिला किसी काम से अस्पताल गई हुई थी। जैसे वो महिला अस्पताल से बाहर निकली, इसी दौरान उसे एक विक्षिप्त भिखारी दिखाई दिया, जिसके बाद वो महिला उस व्यक्ति को देख उसे गले लगा लेती है। साथ ही किसी छोटे बच्चे की तरह उसे दुलारने पुचकारने लगती है। इसके साथ ही महिला उस व्यक्ति को देखकर रोते जा रही थी। आने जाने वाले लोगों को मामला कुछ समझ नहीं आया। सभी लोग उस महिला को रुक कर देखने लगते, लेकिन जब लोगों को मामला समझ में आया तो आसपास के लोगों के भी गले भर आते। दरअसल व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि महिला का पति था, जो 10 साल पहले लापता हो गया था। व्यक्ति की स्थिति बहुत ही खराब थी। उसके बाल और दाढ़ी बढ़े हुए थे, उसने गंदे कपड़े पहने हुए थे, वो बिल्कुल अकड़ू होकर बैठा था। वहीं महिला उस व्यक्ति के कभी बाल संवारती तो कभी उसके शरीर को साफ करती। महिला ने अपना दुपट्टा भी उसको ओढ़ा दिया। इसके बाद ही महिला लोगों से अपनी बोली में कहती कि मेरे पति हैं, 10 साल पहले लापता हो गए थे। साथ ही महिला व्यक्ति से भी कई सवाल पूछती है कि कहां थे, क्यों चले गए थे। हालांकि उसका पति कुछ भी नहीं बोल रहा। इसके बाद महिला ने अपने घर फोन किया, शायद उसके बच्चे ने फोन उठाया था। महिला ने फोन पर कहा कि एक कुर्ता लेते आना। उसके बाद एक युवक बाइक पर आता है और उस औरत और उसके पति को लेकर चला जाता है। यूपी के बलिया का वीडियो पति पत्नी के साथ जन्मों के बंधन का गवाह बन गया, जहां ज्योति मौर्या, सीमा हैदर, अंजू की खबर से लोगों के मन में औरतों को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। वहीं शायद ये वीडियो ऐसे लोगों की मानसिकता पर अंकुश लगा दे।